आइज कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सब क्या मौसम बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो मौसम बहुत ही अच्छी हो गई है, बहुत ही अच्छी। मैं अभी आपको दिखा दूँ, ये पता है सुबह के लगभग 10:30 हो रहे हैं और सडन से इतना मौसम चेंज हो गया ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम है, आप देखो यहाँ से मैं दिखा दूँ, वाह है ना। लग रहा है जिसकी शादी भी है ना, आई थिंक ये पंडाल जो है ना निकल जाएगा, क्योंकि इतनी तेज़ हवा है। आप यहाँ पे देखो बहुत तेज़ हवा चल रही है। क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो बारिश? वी आर रेन रेन गो अवे। आपके यहाँ अभी इस वक्त कैसा मौसम है बताओ? अभी तो हर एक जगह बारिश है, जम्मू में थोड़ी कम बारिश होती है, तो हम लोग प्रे कर रहे थे कि बारिश होगी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। और इन्जॉय करिए, बारिश से पकौड़े खाइए, मस्त मस्त चीज़ें मैगी खाइए और इन्जॉय करिए। आया है मैंने साबूदाना, इधर क्या है ये तोरई की सब्जी और रोटी बनेगा, और हमारे ये आज का लंच होगा। बाल खींच रही है, उनका बाल खींच रही है। क्यों क्यों मान ली थी बेबी ने? नहीं नहीं बेबी तो प्यारी प्यारी कर रही थी ना आपको, कोई बात नहीं। अब बैठ जाओ, बैठ के देखो आप। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने बनाया है खाना वाना, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था तो सब कुछ किया। फिर मेरा एक गेस्ट आ गया जो बिल्कुल भी अभी नए हैं, और अभी यहाँ पे मेरे घर के बाजू में ना अभी जस्ट शिफ्ट हुए हैं ना, तो वो आए और उनकी छोटी सी बेबी है 6 मंथ की, तो और वो आए फिर बातचीत हुए, हम लोग काफ़ी बात किए, और जस्ट बाजू में ही रहने आए हैं। तो उनके हस्बैंड अभी नहीं है, बाहर गए हैं, तो एक दिक्कत हो जाता है ना लेडीज़ के लिए कि अकेले कैसे सब कुछ मैनेज करना होता है ना, और मन भी उन्हें नहीं लग रहा था। तो फिर मेरे को बोली भाभी मैं तब मैं आ रही हूँ, मैंने बोला ठीक है आइए, इसमें क्या फ़ोन करने की कोई बात ही नहीं। उन लोगों ने हमने बातचीत की, फिर काफ़ी देर के बाद मैंने एक छोटा सा क्लिप भी डाला है, ईवा और उनकी गुड़िया खेल रही है, तो वो सब हुआ। फिर मैं सामने चली गई बाहर सब्जी लाने, मैंने वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे एक हाथ में सब्जी की थैली और दूसरे हाथ से मैंने ईवा को पकड़ रखा था, तो फ़ोन कहाँ से पकड़ती, तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाई। और सब्जी वब्जी लेके आए, चिकन लेके आए स्पेशली, क्योंकि सावन आ रहा है, अभी 22 से स्टार्ट हो जाएगा, तो सावन में हम लोग नहीं खाते हैं नॉनवेज, तो मैंने सोचा आज खा लेते हैं और एक आदमी को खाना है, इतना सा चिकन बनेगा, तो फिर लाके मैंने सोचा आज बना लेती हूँ। और चिकन बनाया, चिकन मैंने खाया। अच्छा ये सब बताइए, आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कौन लोग सावन में चिकन नहीं खाते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कई लोग सावन में चिकन नहीं खाते हैं, और नहीं भी खाना चाहिए, एक महीने नहीं खाएंगे तो क्या ही जाएगा, थोड़ा शरीर के लिए बच्चों का थोड़ी चर्बी है ना, ये सब थोड़े ठीक हो जाएंगे, थोड़े से तो पतले हो ही जाएंगे। यार मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, मेरे से नहीं होता है, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इसको कैसे कम करूँ। बताइएगा आप लोग कैसे अपने डाइट करते हैं और कैसे पतले हो जाते हैं? मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, बहुत दिन से क्या मतलब दो तीन वीक से ट्राई कर रही हूँ। मेन बात पता है क्या है कि यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, कभी कुछ बना के खा लिया, बाहरी चीज़ें तो नहीं खाती हूँ मोस्टली, बना के तो कभी कुछ बना लिया कभी कुछ बना लिया, तो उसकी वजह से मुझे लगता है ना कि मेरी जो सेहत वो कम नहीं हो पा रही है। चलो कोई नहीं यार, खाते पीते शरीर है, अच्छे से रहना चाहिए, कल का क्या पता, जिंदगी इसी का नाम है ना, तो कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा सब, हो जाएगा सब मेरे एक मतलब खा लो अभी, बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे चीज़ें नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, बताओ तो खा लो, देखा जाएगा शरीर अपना, बस हेल्दी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, थोड़ी बड़ी वर्कआउट करती रहना चाहिए, तो वो सब साथ में चालू रहता है। और हाँ, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, अच्छा लग रहा है तो, और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और मेरे साथ रहिए। ओके बाय।